कम्युनिकेशन बेसिक ट्यूटोरियल क्लास में मैं यशु सिन्हा आप तमाम लोगों का फिर से स्वागत करती हूँ। तो आज के जिस टॉपिक पे मैं डिस्कस करूंगी वो टॉपिक का नाम है बिजनेस कम्युनिकेशन। जी हाँ, फर्स्ट सीरीज मैंने ऑलरेडी बनाया था विच वॉज रिलेटेड टू बिजनेस कम्युनिकेशन में, जहाँ पर मैंने पार्ट वन में आई टॉक्ड अबाउट कम्युनिकेशन। ठीक है, मैंने फर्स्ट पार्ट में कम्युनिकेशन के बारे में बात किया था, जहाँ पे मैंने बताया था कि कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन के टाइप्स। एंड दिस टाइम आई हैव एडेड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, दैट वॉज वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जो शायद मैंने प्रीवियस वीडियोज में भी कभी ऐड नहीं किया है। सो दोज हु हैव मिस्ड दैट वीडियो, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो, बिकॉज दैट विल हेल्प यू अलॉट। नाउ इन दिस टूडेज वीडियो आई विल ओनली टॉक अबाउट बिजनेस कम्युनिकेशन, लाइक वॉट इज बिजनेस कम्युनिकेशन। अगर मैं हिंदी में बताऊँ तो बिजनेस का मतलब है व्यापार, और कम्युनिकेशन का मतलब होता है संवाद, यानी वैसा संवाद जो व्यापार को बढ़ाता है। क्या वैसा कम्युनिकेशन है? चलिए हम उसको टर्म्स के वाइज से नहीं देखेंगे, वी विल टॉक अबाउट एक कम्प्लीट जनरलाइज करके हम इसको समझते हैं कि वैसा कम्युनिकेशन, ठीक है, जहाँ पर किसी भी बिजनेस का गोल, एम, पर्पस, विजन मिशन ये सारी चीज़ें जहाँ पर फुलफिल होती हैं, उसको हम कहते हैं क्या? बिजनेस कम्युनिकेशन। यानी कि बिजनेस कहने का मतलब कोई मल्टीनेशनल कंपनी से रिलेटेड नहीं है, बिजनेस का मतलब कि कोई कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशन से नहीं है, बिजनेस कहने का मतलब है कि कोई यू नो प्रॉफिट ओरिएंटेड एग्जैक्ट वैसी कोई बात नहीं है। बिजनेस टर्म इसलिए यूज किया गया है ताकि यहाँ पर थोड़ा वॉल्यूम ऐड किया जाए फॉर्मल का, यानी कि वैसा कम्युनिकेशन जहाँ पर फॉर्मल भाषा का इस्तेमाल हो, फॉर्मल तरीके का इस्तेमाल हो, फॉर्मल चैनल का इस्तेमाल हो, वैसे कम्युनिकेशन को हम लोग बिजनेस कम्युनिकेशन कहते हैं। यानी कि जैसे कि आपको कंप्लेन करना है, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में आपका पहला दिन है, आपको लैपटॉप नहीं मिला, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? एक आपको कहा जाएगा, आप सीधे अपने सर के पास जाके कंप्लेन नहीं करेंगे, कंप्लेन करेंगे पहले, ऑब्वियसली हम पहले जाएंगे कंप्लेन करेंगे कि सर मेरा फर्स्ट डे है आज के ऑफिस में, बट मुझे अभी तक लैपटॉप या मुझे कंप्यूटर अभी तक असाइन नहीं किया गया है, देन व्हाट आई एम सपोज टू डू? तो आपको क्या आंसर मिलेगा? आपको पता है क्या आंसर मिलेगा? ये नहीं मिलेगा कि हाँ हम आपको तुरंत लैपटॉप प्रोवाइड कर देते हैं। व्हाट आंसर यू विल गेट इज दैट कि गो एंड राइट अ मेल, राइट अ मेल टू द एडमिन डिपार्टमेंट। आप एडमिन डिपार्टमेंट में एक मेल लिखिए और बताइए कि आपने आज ज्वाइन किया है और आपको लैपटॉप अभी तक नहीं मिला, वेयर इन यू हैव टू मैंशन योर अपॉइंटमेंट लेटर, वेयर इन यू हैव टू मैंशन आपको अपना एम्प्लॉय नंबर बताना होगा, आपको आपने किस डेट में ज्वाइन किया है, यू हैव टू मैंशन ईच एंड एवरी थिंग, लाइक यू हैव ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन एंड यू हैव टू मैंशन ईच एंड एवरी थिंग कि आपने आपको कब अपॉइंटमेंट लेटर भी ऐड करना होगा अटैचमेंट में, और आपको सारी चीज़ें ऐड करनी होगी। तो इस तरीके का मेल, यानी कि आपने एक फॉर्मल तरीके से रिक्वेस्ट किया है एडमिन डिपार्टमेंट को टू प्लीज असाइन मी माई लैपटॉप सिंस आई हैव ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसा कम्युनिकेशन जहाँ पर हम फॉर्मल तरीके से बात करते हैं, हम लोग एस्टैब्लिश करते हैं एक फॉर्मल कम्युनिकेशन, उसको हम कहते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन। यानी कि कोई भी, अगर आपने कोई कंप्लेन रेज करना है, आपको मेल के थ्रू रेज करना है, इसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं, सजेशंस बॉक्स होते हैं, आपको मीटिंग अटेंड किया है, आपने 3 घंटे की मीटिंग चलती है कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उस 3 घंटे की मीटिंग में आपको मिनट्स बनाने पड़ते हैं, यानी कि कौन से पर्सन ने, मिनट्स ऑफ द मीटिंग कहा जाता है, तो कौन से पर्सन ने क्या बोला, उसमें क्या हाईलाइटेड, कौन से मुद्दे हैं जिस पर डिस्कशन हुए हैं, एजेंडास आपको हम लिखना पड़ता है, किस किस एजेंडे पे बात हुआ, उस एजेंडे पे क्यों, कौन कौन लोगों ने क्या क्या बोला, क्या हाईलाइट था आज की मीटिंग का, लाइक एवरीथिंग यू हैव टू मेंशन इन द मिनट्स ऑफ द मीटिंग। सो दीज आर द फॉर्मल टर्म्स लाइक मेल, ये सब क्या है, एक रिटन कम्युनिकेशन के थ्रू हम एक कम्युनिकेट कर रहे हैं बिजनेस कम्युनिकेशन के लिए, लाइक इट इज रिलेटेड टू क्या, हम क्या क्या कर सकते हैं, लाइक थ्रू मेल वी कैन कम्युनिकेट, राइट, मेल में हम लोग अपने अपना कोई रिक्वेस्ट करना है, किसी तरीके के कंप्लेंट्स रेज करने हैं, कुछ मंगवाना है आपको, आपने कुछ क्या क्या अपने अपने आज के दिन में आपका क्या क्या आपने काम किया है, आपने कोई भी रिपोर्ट्स भेजनी है, इट्स ऑल थ्रू बाय मेल यू हैव टू सेंड टू योर सबॉर्डिनेट्स और थ्रू योर बॉस और टू द अदर एम्प्लॉयज़ लाइक दिस।
तो मेल इज़ वन थिंग, अनदर इज़ लाइक आपको सर्कुलर मिलता है. सर्कुलर बहुत छोटा रिटर्न तरीका रहता है जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज आपको पास आते हैं. सर्कुलर ये आया कोविड के कारण क्या ऑफिस 50% एम्प्लॉयज ही चलेंगे. तो वो सर्कुलर क्या है, जस्ट छोटा सा मैसेज, चार लाइन का मैसेज है विच इज़ लाइक वेरी इंपॉर्टेंट एंड जो कि बताता है कि आपको अब कोविड सिंस द केसेस आर राइजिंग तो अब ऑफिस जो है वो 50% ऑक्यूपेशन पे चलेगा, लाइक फंक्शनल रहेगा. 50% एम्प्लॉयज़ को एक दिन आना होगा और 50% एम्प्लॉयज़ को अगले दिन आना होगा. तो ये सब क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मिनट्स ऑफ द मीटिंग, डिस्कशन का एजेंडा क्या क्या है, ये हम लोग सारी चीज़ें मिनट्स ऑफ द मीटिंग में लिखते हैं. देन देर आर लाइक सजेशन बॉक्स, देर आर कंप्लेन बॉक्स वेयर इन यू कैन राइट योर कंप्लेंट्स, यू कैन पुट सम सजेशंस. सो दीज आर द फॉर्मल वे यू नो इन एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑर्गेनाइजेशन की में जहाँ पर हम बिजनेस कम्युनिकेशन की बात होती है, यानी कि हम ये सिर्फ बिजनेस ओरिएंटेड पर्पस नहीं है, यानी कि फॉर्मल तरीके से हम किस तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं ये बिजनेस कम्युनिकेशन हमें बताता है. ओरल कम्युनिकेशन में भी हम बहुत फॉर्मल तरीके से बात करते हैं, हम लोग डिस्कशंस में बैठते हैं, हम लोग मीटिंग्स में बैठते हैं, हम लोग बहुत अच्छी अच्छी वोकैबुलरीज का इस्तेमाल करते हैं. हेलो सर, गुड आफ्टरनून सर, गुड इवनिंग सर. तो यू नो वी कांट बी वेरी इनफॉर्मल विद आर यू नो अपने बॉस के साथ, वी कांट बी वेरी इनफॉर्मल, वी हैव टू बी इन अ फॉर्मल वे, वी हैव टू कम्युनिकेट विद आर यू नो सबऑर्डिनेट्स और आर सीनियर्स. सो दीज आर द थिंग्स विच बिजनेस कम्युनिकेशन कम्युनिकेट्स अस. तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है. तो अब हम स्लाइड्स के थ्रू समझते हैं और अबाउट बिजनेस कम्युनिकेशन. जैसे कि आई एम गिविंग माई पर्सनल एग्जाम्पल, बिजनेस कम्युनिकेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है. इट इज़ नॉट कंपलसरी कि हम कोई बहुत मल्टीनेशनल कंपनी में ही बिजनेस कम्युनिकेशन होता है, वहाँ का लेवल थोड़ा और ज़्यादा होता है बिजनेस कम्युनिकेशन का, ठीक है. लेकिन बिजनेस कम्युनिकेशन हर लेवल, यानी घर से बाहर जब आप कहीं पे भी किसी प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉफिट ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट, प्रॉफिट ओरिएंटेड यू नो किसी भी जगह पे आप काम कर रहे हैं, वहाँ का कम्युनिकेशन कहलाता है बिजनेस कम्युनिकेशन, जो बहुत फॉर्मल तरीके से जहाँ पर कम्युनिकेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज बिजनेस कम्युनिकेशन. व्हेन आई वाज वर्किंग विद एन ऑर्गेनाइजेशन दैट वाज बेसिकली एक कॉलेज था वेयर इन आई वाज वर्किंग एज एन असिस्टेंट मैनेजर. वहाँ पर एक डिपार्टमेंट का नाम था जिसका नाम था बिजनेस डेवलपमेंट सेल. बिजनेस डेवलपमेंट सेल नाम था तो आई जस्ट थॉट कि यार ये इंस्टीट्यूट में बिजनेस का काम क्या हो सकता है, लाइक व्हाट बिजनेस, मुझे समझ में नहीं आ रहा था. देन आई गॉट टू नो कि बिजनेस कहने का मतलब ये नहीं है कि पैसे का मामला है या फिर कोई बिजनेस रिलेटेड टर्म्स है. बिजनेस कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर उस ऑर्गेनाइजेशन के विजन और मिशन को हमें अपने राइटिंग के थ्रू, अपने कम्युनिकेशन के थ्रू स्टैब्लिश करना. यानी कि वहाँ पे बहुत सारे क्या आते थे, एनुअल रिपोर्ट्स, क्वार्टरली रिपोर्ट्स, वो सारे रिपोर्ट्स को हम लोगों को लिखना पड़ता था. वी यूज़ टू राइट दोज रिपोर्ट्स, यानी कि कॉलेज की अचीवमेंट्स क्या क्या हैं, कॉलेज में कौन कौन से अवार्ड्स जीते हैं, कॉलेज के स्टूडेंट्स ने कहाँ कहाँ इंटरनेशनल लेवल पर अपने आप को, अपने पेपर को प्रेजेंट किया है, कॉलेज में कितने फैकल्टी हैं जहाँ जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर अपने आप को रिप्रेजेंट किया या नेशनल लेवल पर अपने आप को रिप्रेजेंट किया है, ठीक है. इसके अलावा कॉलेज में फेस्ट होते हैं, कॉलेज में बहुत तरीके के रंगारंग कार्यक्रम हो रहे हैं, कल्चरल इवेंट्स हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें कवर. यानी पूरे के पूरे कॉलेज को कहीं ना कहीं उसको इस तरीके से हाईलाइट करना, ऑब्वियसली वहाँ पे प्रोग्राम, ताकि जो बाहर के लोग जिन्होंने उस कॉलेज को नहीं जाना है, नहीं समझा है, वो उस रिपोर्ट्स के थ्रू उनको समझ पाएँ, वो उस रिपोर्ट्स के थ्रू, उनके आर्टिकल्स के थ्रू समझ पाएँ कि अच्छा ये कॉलेज यू नो ये नैक ग्रेड में ए है और इसमें इतने सारे फैकल्टीज़ के जो प्रोफाइल है, लाइक ये सारे सारे अच्छे फैकल्टीज़ हैं, इन्होंने PhD क्वालिफाइड है, नेट क्वालिफाइड है. तो ये सारी चीज़ें कहाँ समराइज़ हुई, उस रिपोर्ट्स के थ्रू समराइज़ हुई. तो जो लोग बाहर के उन्हें पढ़ेंगे और समझेंगे तो दे विल बी वेरी इंटरेस्टेड इन यू नो टेकिंग एडमिशन इन टू दैट इंस्टीट्यूट. तो ये सारे हैं बिजनेस कम्युनिकेशन. ऑब्वियसली जब बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में बात होंगे तो ज़्यादातर इंग्लिश कम्युनिकेशन के बारे में बात होती है. यहाँ पे आपकी वोकैबुलरी, स्पोकन एंड रिटन दोनों बहुत ही अच्छे तरीके से होनी चाहिए. ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिजनेस कम्युनिकेशन जनरली हिंदी में नहीं होते हैं, इंग्लिश कम्युनिकेशन का ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है. तो जब आपको मेल लिखना रहेगा तो यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज, यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक एंड यू हैव टू यूज वेरी एक्यूरेट वर्ड यू नो while writing a mail. Mail writing is altogether another art.
एकदम एक पूरी एक पूरा आर्ट है एक मेल लिखना, एक सीवी लिखना। सीवी भी एक बिजनेस कम्युनिकेशन का पार्ट हुआ, जहां पे आप अपने आप को एक दो पेज में यू आर डिफाइनिंग योर सेल्फ कम्प्लीटली, लाइक व्हाट आर योर अचीवमेंट्स, हु यू आर, व्हाट आर योर हॉबीज, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, व्हाट यू हैव अचीव, वेर इन यू नो हाउ फार यू कैन कम्प्लीटली डिवोट टू दैट ऑर्गेनाइजेशन। सो दीज थिंग्स कम्स अंडर दिस बिजनेस कम्युनिकेशन। सो दिस आई वॉन्ट टू क्लियर यू ऑल दैट दिस सेकेंड वीडियो वॉज ऑल अबाउट बिजनेस कम्युनिकेशन इन प्रैक्टिकल टर्म्स, जो मैं समझा सकती थी, और उसके बाद फिर मैं आपको स्लाइड्स के थ्रू समझाऊंगी कि बिजनेस कम्युनिकेशन और क्या होता है। सो दोज हु आर लाइक कन्फ्यूज अबाउट दिस टर्म बिजनेस कम्युनिकेशन, सो दिस वीडियो वॉज वेरी मच आई गेस क्लियर टू यू। वेन आई वॉज एक और ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर मैंने वर्क किया था, वो क्या था, वो ऑर्गेनाइजेशन राष्ट्रपति भवन में एक फेस्टिवल होता था जहाँ पे हम सब एम्प्लॉयज जाते थे, और वहाँ पर उस फेस्टिवल को हमारा ऑफिस ऑर्गेनाइज करता था। और उसमें क्या था कि हमें बहुत एजेंडे पे बात होती, बहुत एजेंडा रहता था, उस एजेंडे पे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस होते थे। उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को हमें ना सिर्फ अटेंड करना पड़ता था, बल्कि वी हैव टू राइट डाउन द मिनट्स ऑफ दोज राउंड टेबल, विच वॉज वेरी क्रूशियल एंड वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हम एक पॉइंट भी मिस नहीं कर सकते थे। तो लिसनिंग एबिलिटी, स्पीकिंग एबिलिटी, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिजनेस कम्युनिकेशन में। इट्स नॉट ओनली अबाउट हाउ यू स्पीक, बट इट ऑल्सो अबाउट हाउ यू लिसन एंड हाउ वेल यू लिसन द थिंग्स। So this is all about business communication. So yes, just to summarize you, what is the business communication? And next we will talk more about through my slides, and which I have already prepared, and I will tell you more about business communication. So do watch it, share it, subscribe it, and continue watching my video, क्योंकि third sequel कल आएगा और आप उसको जरूर देखिए। Till then, bye bye.